आज और कल यानी 22 और 23 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। धनतेरस पूजा को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल धनतेरस का त्यौहार दीपावली से पहले आता है। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी की भी पूजा की जाती है। धनतेरस को लेकर राजधानी रांची में भी लोग जमकर सोने चांदी के सिक्के और जेवर की खरीदारी कर रहे हैं और दुकानदारों के चेहरे पर भी रौनक है। स्वर्ण व्यवसायी प्रकाश सोनी ने बताया कि इस बार ज्यादा खरीदारी होने की उम्मीद है। कुछ खरीदारियां चल रही हैं, कस्टमर किस तरह के जेवर या बर्तन लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ की बिक्री ज्यादा हो रही है? अभी ज्यादातर सिक्का का डिमांड ज्यादा है, कुछ बर्तन चांदी का, लक्ष्मी गणेश मूर्ति चांदी का हो गया, कुछ जेवर भी है सोना का, वो सब सारा आइटम का डिमांड है धनतेरस में। और जैसे कि 2 सालों के बाद लोग खुलकर दिवाली मना रहे हैं, धनतेरस मना रहे हैं, तो उसको लेकर भी क्या कुछ है कि पिछले 2 सालों से जो खरीदारी कम हुई है, इस बार उसका कसर पूरा हो जाए? शायद उम्मीद तो यही है, हमको लगता यही है, होना भी चाहिए, क्योंकि 2 साल से लोग कोरोना को लेकर मना ही नहीं थे। कुछ खरीदारियां चल रही हैं, कस्टमर किस तरह के जेवर या बर्तन लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ की बिक्री ज्यादा हो रही है? अभी ज्यादातर सिक्का का डिमांड ज्यादा है, कुछ बर्तन चांदी का, लक्ष्मी गणेश मूर्ति चांदी का हो गया, कुछ जेवर भी है सोना का, वो सब सारा आइटम का डिमांड।